नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली ये ऑल इन वन वीडियो होने जा रहा है। इसमें हम लोग आपके पूरे डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरा वर्कलोड बढ़ जाता है। सबका अलग थंबनेल बनाओ, सबका अलग टाइटल डालो, सबका अलग टैग डालो, तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हुआ है या आपका एडमिशन नहीं हुआ है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और मुझे ये भी पता है कि सुबह से आप लोग इतने सारे कमेंट्स किए हो कि सर प्लीज़ बीएचयू पाठशाला का वीडियो आ जाए, तो फाइनली हम लोग रिलैक्स हो जाएं। आप लोग बहुत सारे अलग वीडियोस देखते हो चैनल्स के, लेकिन अल्टीमेटली आपको इंतजार बीएचयू पाठशाला के चैनल का ही रहता है। डेट्स वाई कि आज हॉलीडे होने के बावजूद मैंने पूरी कोशिश करी कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ कि हाँ अभी तक काउंसलिंग का क्या स्टेटस है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, कौन कौन से राउंड अभी आने वाले हैं, कब तक लास्ट इंतजार करना पड़ेगा, एफिलेटेड कब से चालू होगा, पेड सीट का अलॉटमेंट कब से चालू होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट कि किस कोर्स में कितनी सीटें अभी भरी हैं, कितना खाली है, ये पूरा ओवरऑल हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस वीडियो के बाद फिर आपको इस चैनल का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ अब धीरे धीरे आप लोग कॉन्सेंट्रेट हो जाओ बीएचयू पाठशाला पे, क्योंकि लगभग डाउट्स मैं आपका क्लियर कर दूंगा यहाँ पे और समय समय अपडेट देता ही रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुरू करें आप। सबसे पहला डाउट जो है हॉस्टल का, कब हॉस्टल के लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा, गर्ल्स स्पेशल सेपरेट वीडियो लाऊंगा। अब आता है कि राउंड कौन सा चल रहा है, बीए, बीए एलएलबी, शास्त्री, एग्रीकल्चर और इतने सारे। इसका सेकेंड राउंड आज लगभग 10 से 11 बजे के आसपास चालू हुआ है, ठीक है, जिसमें से कि बीए आर्ट्स और सोशल साइंस का तो 100%, बाकी का अंडर द प्रोसेस है, थोड़ी ही देर में चालू हो जाएगा, शाम तक ऑलमोस्ट पूरे चांसेस है। बात आती है सीट का, तो मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर और बीए एलएलबी की ऑलमोस्ट सीटें फुल है। आप कह सकते हो कि 90-95% सीट फुल है। क्या रीज़न है, क्योंकि उसमें सीटें बहुत कम है भाई। एग्रीकल्चर में आपके 150 के आसपास सीटें हैं, बी एल एल बी में 70 के आसपास सीटें हैं, तो ऐसे में इन लोग की सीट फर्स्ट अलॉटमेंट पे हर साल फुल हो जाती है, तो कोई सरप्राइजिंग नहीं है। अब बच्चे बार बार पूछेंगे कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग इंक्वायरी कर लेना, थोड़ा वक्त में रिप्लाई मिलेगा, लेकिन आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन मैं वीडियो में डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ कि एग्रीकल्चर और बी एल एल बी बच्चों का मार्क्स बहुत कम है। कट ऑफ से अगर आप 20-30 नंबर कम हो, ध्यान देना, जो आपका कट ऑफ वीडियो है जिस भी कैटेगरी का है, अगर उसमें आप 20-30 नंबर पीछे हो तो आप उम्मीद छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एफिलेटेड के लिए बने रहना, लेकिन जिस कोर्स के एफिलेटेड के लिए आप इंतजार कर रहे हो, कोर्स एफिलेटेड में अवेलेबल है कि नहीं, ये पता होना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर का जो बच्चा है उसका एफिलेटेड में बचेगा सीट, क्योंकि उनका एफिलेटेड में सीट है, लेकिन बी एल एल बी का जो सीट है वो एफिलेटेड में नहीं है, तो आप लोग दिमाग में बैठा लो। और बी एल एल बी के जो बच्चे हैं, अगर उनकी डाउट्स हैं तो व्हाट्सअप करके आप पूछ लेना। अब बात आती है कि आर्ट्स वालों का क्या, आर्ट्स के लिए गुड न्यूज़ है, वो ये है आर्ट्स के बच्चे कई जगहों पे अपना रजिस्ट्रेशन दे रखे हैं। अभी वो इलाहाबाद का भी इंतज़ार कर रहे हैं, डीयू के सेकंड अलॉटमेंट का भी इंतज़ार कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि बीएचयू के भी सेकंड अलॉटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने अपने फर्स्ट अलॉटमेंट में क्या कारनामा किया है, यहाँ पे सीटें फुल नहीं हो पाई हैं। मुझे नहीं पता बाकी आप लोग वीडियोस कहाँ कहाँ से देखे हो, लेकिन भाई प्लीज़ देखो, मेरे से वेरिफिकेशन मत करवाना कि सर वो ही बोल रहा है। आप बीएचयू पाठशाला देखते हो तो आप धीरे धीरे आप ये समझ लो ना कि आप एकदम सही चीज़ देख रहे हो, बस बात यहीं पर देख खत्म कर दिया करो। आर्ट्स और सोशल में सीटें एज कम्पेयर बाकी कोर्स में ज़्यादा खाली हैं, बच्चों ने ज़्यादा पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि बच्चों के अभी च्वाइसेज फुलफिल नहीं हुए हैं। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि जैसे लड़कियां हम गर्ल्स में जाएंगे, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम इलाहाबाद में जाएंगे, कुछ बच्चे डीयू के लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये 5-6 रीजन है, और हो सकता है कुछ बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए हों और उनको अब बीएचयू से कोई लेना देना ना हो। यही रीज़न है कि लगभग 50% से ज़्यादा अभी फर्स्ट अलॉटमेंट में सीटें खाली गई हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लो, बहुत ज़्यादा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। अब बात आती है कि कट ऑफ कितना नीचे जा रहा है, तो आर्ट्स और सोशल का जितना आपने फर्स्ट राउंड में कट ऑफ देखा था उससे आप 10 से 15 का नीचे अनुमान लगा सकते हो। जैसे कि मान लो कोई 353 है, तो अब वो लगभग 340 के आसपास पे कट ऑफ गिरा है सेकंड का। अब बात आती है कि सर ये और गिरेगा कि नहीं, श्योरिटी तो नहीं लेकिन ये गिरेगा, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें पूरा का पूरा डिपेंड, जैसे कि अभी आपको मैं एक पति की बात बताऊँ,
वेटिंग जो शो कर रहा है, एक सीट पे कभी किसी किसी में आर्ट्स और सोशल में एक सीट पे 40 से 50 वेटिंग है, आप भरोसा नहीं करोगे। मतलब एक नंबर पे कम से कम 20 से 30 बच्चे खड़े हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि अब 300 वाला लड़का अपने आप को बहुत खुश समझ ले कि हाँ मेरा हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना उसके लिए तो एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो जो एकदम हाईली इंटरेस्टेड है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। और यहाँ तक मैं आपको और बता दूँ, डिमोटिवेट नहीं होना है, जिनका नहीं होगा अगर फ्रेशर हो तैयारी शुरू करो। बेचुप आर्ट सलाब हम लोग कोर्स शुरू कर रहे हैं, आप आराम से बहुत ही किफ़ायती पैसे में, जितने से हमारा स्टूडियो का खर्चा निकल जाएगा, जितने हमारे मेंटर आपको पढ़ा सकते हैं, बस उतने ही पैसे में आपको पढ़ाया जाएगा, कोई एक रुपया ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग बीएचयू के ही स्टूडेंट हैं। हमारा उद्देश्य है बच्चों को जागरूक करना और बच्चों को सही नॉलेज देना, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे आज थर्ड ईयर में मेरे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे हैं, ऑलमोस्ट सेलेक्ट हुए, वो लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, अच्छा लगता है, मिलते हैं, हर साल बच्चों का सलेक्शन होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मेरा उस टाइप का नहीं रहता है, हाँ दिखावे वाला चैनल नहीं है, लेकिन जेन्यून है, जो है वो सच है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर आप लोग व्हाट्सअप करके कोर्स ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये डाउट्स हो गए आपके, सीट वाला हो गया, कट ऑफ का बता दिया मैंने, 10 से 15 नंबर डाउन गया, बाकी एग्जैक्ट मैं वीडियोस दूंगा आपको, वो जो नंबर वाला होता है कि हाँ 340 है 300 ये, तो उसका मैं शाम तक वीडियो दे दूंगा, क्योंकि अभी वो ऑफिशियली मतलब पूरा रिटेन फॉर्म में नहीं हुआ है, और मैं अनऑफिशियल अगर बता दूंगा तो मेरे पे बाद में फिर लोग बोलेंगे कि ऐसे कैसे बता दिया। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मुझे भी सेफ जोन में रहने दो, मुझे पता है, लेकिन मैं जब तक ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं बन जाता है तब तक मैं नहीं बताऊँगा। तो लेकिन मैंने जो बोला है, अगर आप उस चीज़ को समझ गए हो तो वही चीज़ है, बस समझ लो, ठीक है। बस मैं एकदम उसको एग्जैक्ट बोल नहीं रहा हूँ, बाकी बात वही है। तो आपके लगभग डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। अब कितना इंतज़ार करना पड़ेगा इस बात को समझो, इसी महीने की अंतिम तारीख तक FMC यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस ऑलमोस्ट अपना सीट फुल कर लेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसी मंथ के लास्ट यानी 31 अक्टूबर तक आपका लगभग ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी राउंड आना होगा, राउंड एक्चुअली देखो पहले से काउंटिंग नहीं होता है, वो तो डिपेंड करता है किस कोर्स में सीट खाली है। जैसे अब BLLB आज के बाद अब खत्म, उसके राउंड्स नहीं आने वाले, एग्रीकल्चर आज के बाद अब वो FMC के लिए राउंड नहीं आने वाले। अब अगर राउंड चलाना होगा इनको तो पेड सीट के लिए राउंड चलाएंगे, चलाना होगा तो एफिलेटेड के लिए राउंड चलाएंगे। तो एफिलेटेड का जो राउंड है वो आपका चालू होगा 31 अक्टूबर के बाद, यानी नेक्स्ट मंथ पे एफिलेटेड चालू होगा। जैसे ही आपकी रेगुलर फीस की पेमेंट फुल हो जाती है उसके बाद पेड का अलॉटमेंट चालू होगा। तो पेड अलॉटमेंट के लिए सेपरेट वीडियो दूंगा मैं कि पेड अलॉटमेंट होता कैसे है और उसमें कितने मार्क्स की जरूरत पड़ती है, कितना पेमेंट एक्स्ट्रा लगता है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगा। आप लोग कॉमेंट भी करना कि किसको किसको पेड अलॉटमेंट पर एडमिशन चाहिए, मैं आपको बताऊँगा कि पेड पर क्या ध्यान रखना पड़ता है बातों को, ठीक है। बाकी लड़कियाँ अभी हिम्मत बनाए रखें, लड़कियों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऑलमोस्ट लड़कियों की सीटें बहुत अभी हैं, अभी आप बस मुश्किल से 1500 सीट की लड़ाई अभी देख रहे हो, पता नहीं कैसे आप लोग इतना पीछे हट जा रहे हो। अभी एफिलेटेड की पूरी लंबी कतार खाली है, अभी MMB में सीटें खाली हैं, पेड सीट का अलॉटमेंट खाली है, पेड सीट का 15% रिजर्वेशन होता है, अगर 1000 सीट भी मांगे तो कम से कम 100 से 150 सोशल साइंस मिला के आपका पेड पे होना है। तो ऐसा नहीं है सीट अभी नहीं है, सीट अभी है, आप लोग पेशेंस रखो। बाकी इलाहाबाद जब अलॉटमेंट चालू करेगा तो बच्चे भी निकल के इलाहाबाद भी जाएंगे, समझ में आ रहा है मेरी बात। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल माय सब्सक्राइबर, इस वीडियो के बाद अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना और मेरे से वेरिफिकेशन कराना प्लीज़ बंद कर देना कि सर वो ही बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप BHU पाठशाला पे भरोसा करते हो, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया कि आप इंतजार तो अल्टीमेटली BHU पाठशाला की वीडियोज़ का करते हो, यही वीडियोज़ देखने के बाद आप रिलैक्स फील करोगे कि हाँ सर मेरा डाउट क्लियर हो गया। तो प्लीज़ बाकी चैनल्स के लिए आप हाथ जोड़ लो, ठीक है, या फिर देखो तो मेरे से मत पूछो। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल डियर सब्सक्राइबर, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, और प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, मैं सेपरेट वीडियो भी दूंगा जितना मैंने बोला है, ठीक है। हर हर महादेव, मुस्कुराते रहे।